मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफर सफर है मेरा, इंतजार मत करना। कश्मीर जाना मेरा हमेशा से ही सपना रहा है। वीडियोस और रील्स के थ्रू ये लग ही रहा था कि ये मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। तो ये कहानी कश्मीर के सबसे खूबसूरत ट्रैक की है, जिसे सेवन लेक्स ट्रैक या फिर कश्मीर ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। स्टार्ट में तो हम सिर्फ 6 लोग थे, पर धीरे धीरे जब ग्रुप से मिले तो 6 से 10 और 10 से 21 लोगों का ये वो ग्रुप बन गया, जिसने 7 दिन में 70 किलोमीटर के इस डिफिकल्ट ट्रैक को आसान बना दिया। और मेरी बात मानिए तो मैंने ऐसा कोई ट्रैक देखा नहीं है आज तक जो हर दिन इतना सुंदर हो। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली स्टेशन से। चलिए, सो हम जा रहे हैं टू जम्मू राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारे साथ है मोहन सिंह। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेशन, मोहन सिंह अगेन। एंड जम्मू तावी से 10 बजे की हमने ट्रेन पकड़ ली है, और यहाँ जम्मू तावी से नहीं, दिल्ली से, और यहाँ से हम जाने वाले हैं जम्मू तावी के लिए। सो दिल्ली न्यू रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं, यहाँ से 6 लोग। आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। चलिए, और ये हमारा थर्ड एसी शिफ्ट, और ये है भरत भाऊ, हमारे साथ ब्रह्मताल में भी थे। पंकज सिंह, नहीं क्या था, क्या हो गया सौरव जी, क्या कर रहे हैं हम और नवीन भाई हमारे साथ, और ट्रैक लीडर मोहन सिंह अगेन। 6 बंदे हैं और 4 बंदे और हमारे साथ जुड़ेंगे फ्रॉम श्रीनगर, जो भाऊ के साथ आए हैं। भाई ने हमारे लिए भी टी शर्ट गिफ्ट करी है, मोनू भाई के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी हमें गिफ्ट देने के लिए। वीडियो में बहुत पॉपुलर है, भाई को हम वीडियो में पूरा लेंगे, पूरा लेंगे, 2000 रुपए का गिफ्ट जो है हमें मेरे को और मोनू भाई को दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमारा थर्ड एसी का शिफ्ट, और एक ही साथ आया सबका, 1, 2, 3 जम्मू पहुंचेंगे और वहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट, ट्रैक तो नहीं बट वहां से हमें श्रीनगर जाना है। अभी यहां पे हम एडजस्ट करेंगे रात के लिए, कार्ड्स ले आए खेलने के लिए। नॉलेज दे रहे हैं ये पत्तों की, भाऊ ने सारे पत्ते दबा रखे हैं, पॉज करके करके देखना पड़ेगा, आप भी दिखा दो क्या पत्ते मिल रहे, मैं देख लेता हूँ। सो आई रियली लव द थर्ड एसी सर्विस एयर। सो गए सब लोग ऊपर भी, फोन चला रहे हैं, एंड दिस इज मी, एंड नाउ विल सी यू मॉर्निंग इन जम्मू तावी। क्योंकि ये मेरा पहला रेलवे सफ़र था तो मेरे लिए सोना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और बाकी लोग सो गए थे। आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली एंड ऐसे बाहर आया हूँ, थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है, विल सी व्हाट हैपेंस। दिस लुक्स लाइक एन स्मॉल रेलवे स्टेशन, लेट मी क्लोज द गेट अगेन एंड ट्राई टू स्लीप। तो सुबह के 5 बज गए थे और हमारा ये दिल्ली से जम्मू का सफ़र सिर्फ थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला था। अभी हम जालंधर पहुंच चुके हैं और जालंधर से जम्मू तावी सिर्फ 3 या 3.5 घंटे की दूरी पर है। सो लेट्स गो इनसाइड। दिस इज आवर, गुड मॉर्निंग गाइस, सो वी आर ऑन वे टू जम्मू, और थोड़ा सा मौसम अटपटा सा है, पीपल आर स्टिल स्लीपिंग, भाई लोग उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग नवीन भाई, गुड मॉर्निंग मोनू भाई, गुड मॉर्निंग, और कुछ लोग अभी भी लटके हुए हैं, और हम ले रहे हैं आनंद वादियों का। जम्मू स्टेशन और 10-20 मिनट और हमारे प्रीपेड नेटवर्क्स चले गए, पर जो हमने पोस्टपेड की सिम ली थी उस पर अभी भी नेटवर्क चालू है, एंड एयरटेल एंड जियो पोस्टपेड आर वर्किंग। सौरभ जी, कहाँ पहुँच गए, कितना टाइम लगेगा यहाँ से विजयपुर जम्मू से? कहाँ जाना है? जम्मू तावी का जो स्टेशन है ये तो ट्रेन की पटरी फॉलो कर रहे हैं, पर हम जम्मू एंटर कर चुके हैं। पहली बार तो ट्रेन से आ रहा हूँ मैं,
सब लोग उठ चुके थे और अब वेट कर रहे थे जम्मू तावी स्टेशन का आने का, जो कि सिर्फ 15-20 मिनट में आने वाला है। नहीं नहीं, वो आता है ना वाला वाइट वाला। चाय पिला दो, चाय चाय चाय। भैया भैया चाय पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें चाय पीनी है? मेरा गला सूख रहा है। मेट्रो स्टेशन आ गया है, घुमाते मेरी तरफ दिखा दे इसको। मेट्रो रेलवे स्टेशन बोलो भाई, खींच लो यार वीडियो बना दो मेरी। अरे आ चुका है। अबे क्या हो गया, यही तो रुकनी है लास्ट। तो भाई लोग पहुंच गए हैं जम्मू तावी स्टेशन। अब इसके बाद कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। कहाँ जाना है? कश्मीर। कश्मीर जाना है? कश्मीर। हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है। तो वी आर एट जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, चलते हैं यहाँ से बस स्टेशन की तरफ। तो हम पहुँच गए जम्मू तावी रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से जाएंगे भाव के साथ बस स्टैंड पे। अब वहाँ से जाना है फिर कश्मीर श्रीनगर के लिए। यस। सो जम्मू तावी स्टेशन से अब हमें जाना था बस स्टैंड जम्मू के, जहाँ से हमें श्रीनगर के लिए बस या टैक्सी मिलेगी। सो अब हम वहाँ के लिए निकल गए थे। और ये है जम्मू तावी का रेलवे स्टेशन। अमरनाथ की चल रही है सर, है ना? है हाँ, अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है इस टाइम पे। सो अब रेलवे स्टेशन से जाएंगे बस स्टैंड, और बस स्टैंड जाने के दो तरीके हैं। आप यहाँ से टैक्सी वगैरह ले सकते हैं, कॉमन शेयरिंग रिक्शा वगैरह जो फटफट होता है, और बस, तीन तरीके हैं। सो पंकज ने सारे पैसे अपने पास रखे, मैं सबको जोर जोर से चिल्ला के बताना चाहता हूँ ताकि सबको बच गया ये इसके बाद पैसा बहुत पैसा। अब रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं ताकि शेयरिंग रिक्शा ले पाए। तो यहाँ से जाना है बस स्टैंड, बस स्टैंड से श्रीनगर। सो जम्मू तावी रेलवे स्टेशन से हमने जम्मू बस स्टैंड के लिए, जहाँ से हमें श्रीनगर की बस मिलनी थी, वहाँ के लिए हमने ले लिए इलेक्ट्रिक ऑटो, जो कि हमें पड़ा 100-120 रुपए लिए उसने हमारे तीन लोगों के। सो ये देखिए अंदर का पूरा सेटअप, और हम लोग जा रहे हैं जम्मू बस स्टैंड की तरफ। सो जम्मू तावी स्टेशन से सिर्फ 25-30 मिनट में ही हम पहुंच गए थे जम्मू बस स्टैंड। सो दिस इज द जम्मू बस स्टैंड अंदर से। सो ये है जम्मू का मल्टी स्टोरी बस स्टैंड, और यहाँ से आपको पूरे जम्मू कश्मीर में जाने के लिए बसें मिल जाएंगी। यहाँ से अगर आपको श्रीनगर जाना है, किश्तवाड़ जाना है, अगर आपको उधम सिंह नगर जाना है, जम्मू में ही कहीं जाना है, तो आपको अलग अलग टाइमिंग की बसेस मिल जाएंगी। और यही सोचते हुए हम यहाँ पर आए ताकि हमें भी श्रीनगर के लिए कोई बस मिल जाए। बस स्टैंड पर एक बैड न्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रही थी। बनिहाल के पास जो सुरंग थी वो ढह गई थी, जिसकी वजह से श्रीनगर तक का रास्ता बंद हो चुका था, और वो कल सुबह से पहले नहीं खुलने वाला था। जब तक मैं बस स्टैंड से बाहर आया, तब तक मेरे दोस्तों ने एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर ली थी, जिसने 1000 रुपये के किराए पर हेड के किराए पे बोला कि वो हमें श्रीनगर छोड़ देगा। इवन वहाँ पे लैंडस्लाइड था, सो हम उसमें बैठ गए। बहुत लोग बैठ गए हैं जम्मू से। जाना श्रीनगर है, पर वही लोचा चल रहा है पुलिस के साथ।
लैंडस्लाइड की वजह से पुलिस मना कर रही थी आगे जाने के लिए, और फिर भी ये कैब ड्राइवर कोशिश कर रहे थे कि ये बनिहाल तक तो एटलीस्ट पहुंच जाए आज। सो दिस वाज आवर प्लान कि अगर हो सकेगा तो आज ही आज में हम श्रीनगर पहुंच जाएं। निकल गए हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चला कि रोड बंद हो चुकी है और हम आगे नहीं जा पाए आज। आज मतलब अभी तक देखते हैं 3-4 घंटे में रोड खुलती है या नहीं खुलती। तो सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए हैं। भाई ने जोमेटो खोल लिया है, मतलब रेस्टोरेंट में बैठ के जोमेटो खोल रहा है, अलग तरह का बनता है। तो अब ये है, अब जिस ड्राइवर ने बोला है कह रहा है कल तक खुलेगा, कोई कह रहा है कि 3-4 घंटे में खुल जाएगा। तो लेट्स सी कैसे अवेलेबिलिटी रहती है और हम कैसे टाइम पे पहुंच सकते हैं। बाकी यहाँ से हमें टैक्सी का किराया लगा था अराउंड 6,000 रुपये लगे हैं हमें। और ये 6 लोगों का किराया 6,000, मतलब आपको 800 से 1,000 के बीच में एक बंदे का किराया लग सकता है। बर्गर किंग, बर्गर किंग भाव भी परेशान हो गए हैं। भाई कह रहे एडवेंचर हो रहा है, भाव है ना, एडवेंचर चालू हो गए हैं, जरूरी है। चलते हैं। मोनू भाई अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने लग गए हैं, कॉल करने लग गए, तो अब हम फिर से अकेले हो गए। आखिरकार बंदी को छोड़ के, त्याग करके बंदी का खाना खाने आई गए। सो ड्राइवर ने हमें इन्फॉर्म किया कि रामबन का जो रास्ता है वो कल तक ठीक नहीं होगा, इसलिए हमने बस स्टैंड के पास ही स्टे के ऑप्शन देख लिए और हम 6 लोगों को ये अराउंड 3,000 रुपये में रूम पड़ा। अब यहाँ से हम कल की प्लानिंग करेंगे कि हमें कल क्या करना है, कल कितने बजे निकलना है और कैसे कैसे श्रीनगर पहुँचना है। सो इट्स अराउंड 10 PM और आज हम फंसे हुए हैं जम्मू में बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक जाम रहा है और एक दो जगह लैंडस्लाइड हो चुका है जिस वजह से पूरा रास्ता रुका हुआ है रामबन तक। तो कल सुबह हम ट्राई करेंगे, विल कंटिन्यू, अगर 5 बजे हमें यहाँ से टैक्सी मिल जाती है और हमें कल 1-2 बजे तक श्रीनगर छोड़ दें, क्या पता। सो टिल देन इट्स अ गुड नाइट एंड विल रीस्टार्ट आवर जर्नी टुमारो मॉर्निंग। सो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रगल करके श्रीनगर पहुँचते हैं बड़ी मुश्किल से, और फिर वहाँ से हमारा कश्मीर ग्रेट लेक्स का ट्रैक कैसे चलता है।